पे बैठा हुआ था, अभी देखिए कहाँ आके बैठ गया है। मिला मेरे गोद में आके बैठ गए हैं, इनको घर में कहीं जगह नहीं मिला। पूरा याद करो आगे शाम होते ही सिम्बा को बाहर। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो नए ब्लॉग की शुरुआत आज बहुत अच्छा है, सावन का दूसरा सोमवार चालू है, तो मैं यहाँ पूजा करके आ गई हूँ और वो लोग भी सब लोग रेडी है। वीर तो स्कूल चला गया है और इसके पापा अभी उठे हैं, फ्रेश होने गए हैं। तब तक मैं यहाँ पे पूजा करके मंदिर गई, मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ। अपने लिए अब चाय बनाने रख दी हूँ, चलती हूँ फिर जल्दी से चाय पीती हूँ। वीर को टिफिन आज नहीं बनाई थी, मैं बोली बेटा आज जाम ब्रेड कुछ ले गया, तो वीर बोला मम्मी मैं स्कूल में वड़ा पाव मिल रहा है मैं वहाँ पे खा लूंगा। मैं बोली ठीक है आप वड़ा पाव लेके खा लेना, काम होगा। लेकिन ऐसा कुछ अभी फिक्स नहीं है, अभी सावन का सोमवार है। पहले था सुबह उठना और पूजा करना, ये मेन काम था, उसके बाद तो दिन अपना चालू रहेगा। आज घर में बनी है भाजी और रोटी बच्चों लोगों के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए घर में भाजी रोटी बनी है। अभी वीर आज स्कूल से आ गया, आप लोग को मैं स्कूल से आ चुका और फ्रेश तो मैं सुबह ही हो गया था और अभी चलते हैं खाना खाते हैं। मम्मी खाना निकाल रही है और आज सावन का दूसरा दिन है, दूसरा दिन मतलब कि दूसरा मंडे है, सोमवार है। चलो आपको खाना दिखाते हैं और रोटी है गाइस, चलो खाते हैं मस्त। और ये अदरक है सूखने के लिए, क्योंकि कल अदरक भी अच्छे मिलने हैं तो अच्छी जगह रखते हैं। और हम ये खाना खाते हैं बेड पे नहीं है, टेबल पे तो वो है। चलो गाइस पानी पी के मैं भी अब बैठी हुई हूँ। और देखिए वो अभी तक दरवाजे पे बैठा हुआ था, अभी देखिए कहाँ आके बैठ गया। देखिए इनको कहीं घर में जगह नहीं मिला बैठने के लिए, नहीं मिला मेरे गोद में आके बैठ गए हैं। इनको घर में कहीं जगह नहीं मिला, बाबू को जगह नहीं मिला, चूका को, चूना बेटो को कहीं जगह नहीं मिलता है घर में। मिम्मी पाच मैं बेटो अच्छा पूरा याद करो, आज एग्जाम है ना ट्यूशन में तो पूरा अच्छे से याद करो। बावर तो स्वागत है जो भी हो। ये कहाँ भाई साहब गोल रहे गोल, पहले ले सबके पावर कीजिए और सबके दो दो पीस। आज की ड्यूटी लगी है वीर की, तो वीर आज सिम्बा को बाहर लेके जा रहा है क्योंकि आज मेरा उपवास है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, वीर जा रहा है लेके। अभी मैं अपने लिए शाम होते ही सिम्बा को बाहर लेके जाया जा रहा है। आप देख सकते है रोज के जैसा ड्यूटी लग गई है, तो आज ड्यूटी लग बोल रही नहीं बताऊंगी। ऐसे हम यहाँ पे समीर मेरे बाजू पे बैठा, जाओ बेटा ब्रेड लेते आओ। ओ हीरो ओए 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 जाओ ब्रेड लेते आओ, ब्राउन ब्रेड लेके आना ना। तो इसे जाना है जिम, तो अभी जाएगा ब्राउन ब्रेड और बटर खा के जिम। तो अभी हम बैठे हैं, मौसम आज बहुत अच्छा। पहले जाओ ब्रेड लेके आना, मैं पापा को बोल, नहीं नहीं मैं पापा को बोल दूंगी, जाओ लेके आओ। वीर मत समीर मत जिद किया करो अपना ही हर समय। क्या खाओगे, पेट दर्द कर रहा है तुम्हारा, क्या खाओगे? नहीं इसलिए बोल रही, ब्रेड और बटर खा लो हेल्दी रहेगा। नहीं बेटा ब्रेड बटर, ओए मम्मी का उपवास का है, जो पीछे रख दो जहाँ से उठा है। सोच रही हूँ पहले पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद पहले चलती हूँ पूजा करूंगी, पूजा करके फिर चाय बनाऊंगी। अभी ये लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं, फिर मैं खाना बनाऊंगी, मेरी ये ड्यूटी लग गई है। आज दिन भर लेटे ही थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उपवास का। बोलो बोलो अब उठ जाओ, उठ के पढ़ने भी बैठोगे कि बस ऐसे लेटे लेटे पढ़ लोगे? ये कटोरी लेके क्या कर रहे हो यहाँ पे, गाइस को बताओ कटोरी लेके क्या कर रहे थे तुम? सिंगदाना दी थी, सिंगदाना खा के कटोरी ऐसा फेंक दिया है ना। नींद आ रही है, तुमको कितना नींद आती है? बैग उधर रखने का ऐसा। अब पढ़ाई कब होने का, एग्जाम का टाइम जो आ गया है, जब एग्जाम रहता है उसके एक दिन पहले करने का। अच्छा ऐसे पढ़ाई होती है, तो मुझे पहली बार पता चल रहा है क्या ऐसे ही पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। नहीं तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है बेटा तुम्हारी इधर। ठीक है अपना काम करो, चलो वो देखो हमारी बातें कैसे सुन रहा है। तो गाइस मैं आप लोग को दिखा, सिम्बा देखिए हमारी बातें कैसे सुन रहा है। सिम्बा अरे वाह, आप तो हमारे घर की शान हो, आन बान शान, सिम्बा ही सिम्बा शान। बैड हो गया ना, जमा नहीं, जमा नहीं ना, रिट्राय वापस बोलो। आन बान शान, सिम्बा ही हमारा जान। हाँ ये हुई आन बान शान, सिम्बा ही हमारा है जान। है नहीं होगा ठीक है। पापा कहाँ गए बाइक लेके?
आप सिम्बा को जब बाहर घूमने गए हैं, सिम्बा को बाहर लेके गए थे तो कहाँ गए थे पापा? अरे यार बाहर लेके गए पूरा कीचड़ हो जाएगा, मिलाना पड़ा भाई। ठीक है, खाना बन चुका है। भिंडी की भाजी है, चावल है, इसमें है दाल गर्मा गर्म और इसमें रोटी। मम्मी कोई सीरियल देख रही है, उनके वैसे भी ऑलवेज फेवरेट है सीरियल, तो उन्हें सीरियल एंजॉय करने दे रही। बोल रही है कभी कुकर की सीटी आ रही है तो कभी भाजी का उसका आ रहा है। मैं बोले ठीक है आपका तो टीवी का भी आवाज आ गया है। हाँ तो फिर वो अपना उस रूम में सीरियल देख रही है और मैं खाना बना के इस रूम में बैठी हूँ। अभी टाइम हो रहा है, थोड़ा वीर को देखने आई थी क्या कर रहा है, पढ़ाई उढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब चलती हूँ, वीर को दो झापड़ मारूंगी, मार के उसे पढ़ाने बिठाऊंगी और मैं चल रही हूँ मम्मी को खाना देने। सीरियल चालू है, मम्मी जी बैठी है अपना सीरियल देखने, हस्बैंड जी आ गए, खाना दे देती हूँ। तो गाइस जा रही हूँ खाना देने, खाना देने के बाद फिर दूसरा कुछ काम करूँगी। गाइस आज के लिए इतना ही, ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।